जय जवान जय किसान, भारतीय किसान लोक शक्ति जिंदाबाद। साथियों, भट्टा पार्सल कांड, जिकरपुर कांड और 13 अगस्त 2008 को घोड़ी बछेड़ा कांड, इनको कभी भी जो वास्तव में किसान परिवार का बेटा है भूल नहीं सकता। ये बहुत ही दर्दनाक कांड है। बसपा की सरकार थी, किसान अपने अधिकार के लिए आंदोलन कर रहे थे, भट्टा पार्सल में गोली चली, जिकरपुर में गोली चली, हमारे किसान शहीद हुए। और घोड़ी बछेड़ा के तो ग्रेटर नोएडा में 13 अगस्त 2008 को, जो कि बहुत ही काला दिन है, उसको आज तक काले दिन के रूप में मनाया जाता है। वास्तव में किसान का बेटा कभी भी किसान परिवार भूल नहीं सकता। बहुत ही दर्दनाक घटना थी। जिस घर के जो 6 बेटे शहीद हुए हैं, उनके चिराग बुझ गए, ये भूलने वाली घटना नहीं है। आज चुनाव के दौर में कुछ लोग जातिवाद की दुहाई देते हैं, लेकिन वह बच्चे भी उसी जाति से थे, रावल भाटी परिवार से थे, घोड़ी बछेड़ा के थे, 6 बेटे थे, जिनको निर्दयी सरकार की निर्दयी पुलिस ने अपने अधिकार के लिए आंदोलन करते हुए, मांग उठाते हुए ग्रेटर नोएडा की तरफ जा रहे थे और अचानक धड़ाधड़ गोली चली और हमारे 6 बेटे हमारे बीच में जो आज नहीं हैं, जिनको कभी भुलाया नहीं जा सकता, वह शहीद हो गए। वह परिवार, वह गांव, वह क्षेत्र, वह जिला गौतम बुद्ध नगर कैसे उन 6 बेटों की शहीदी को भुला सकता है? अगर इस तरीका से उनकी शहीदी को भुला दिया तो कभी भी कोई भी अपने अधिकार के लिए आंदोलन नहीं करेगा। उनको तो आज भी जिकरपुर, भट्टा पार्सल, घोड़ी बछेड़ा के वे 6 बेटे 13 अगस्त 2008 को, जिनको निर्दयी पुलिस ने अपनी गोलियों से भून दिया था, उनको कभी भुलाया नहीं जा सकता, उनकी कुर्बानी को भुलाया नहीं जा सकता। जय हिंद, जय भारत, जय भारतीय सैनिक।